जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का, इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं. सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी. काफ़ी सारे ट्रेड पंडित हों, ट्रेड एनालिस्ट हों या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ये मानना है कि 2022 में जिस तरह से अजय देवगन का साल गुजरा है, 2023 उससे भी बड़ा होगा भोला और मैदान के साथ. और 2023 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से गुजरा है दृश्यम 2 के साथ, उसी तरह से पठान से शुरुआत होगी उसकी. आप क्या मानते हैं इन तीनों फिल्मों को लेकर, आपके लिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए? जिस तरह से सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हमारी इंडस्ट्री में चाहिए सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से एक मज़ा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े. तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस. मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है. एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का, इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं. सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस.